Good morning student, today I am going to explain the last topic of chemical reaction of alcohol due to the cleavage of carbon oxygen bond. Carbon oxygen bond के break होने से जो reaction होता है वो last reaction आज हम देखेंगे कौन सा oxidation. It is the last reaction due to the carbon oxygen bond cleavage. First हमने देख लिया था last class में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, उसके बाद सेकंड हमने देख लिया था रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फिर उसके बाद हमने देखा था डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन का हमने क्या किया था, मैकेनिज्म भी फॉलो किया था, मैकेनिज्म पूरा किया था. आज हम लास्ट रिएक्शन देखेंगे, इसका नाम है ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है उसमें फॉर्मेशन होता है, बनता है क्या, डबल बॉन्ड बनता है विथ द क्लीवेज ऑफ एन ओ एच एंड सी एच बॉन्ड. किसके क्लीवेज होने से, किसके टूटने से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के टूटने से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन ओ एच एंड सी एच बॉन्ड. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सी एच थ्री ओ एच, ये एल्कोहल है आप जानते हैं सी एच थ्री OH एल्कोहल है. तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बेटा. तो ऑक्सीडेशन मैंने बताया कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा. तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड ब्रेकिंग मैंने लिखा है, मतलब ब्रेक होगा है. अब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा. देखिए डबल बॉन्ड सी ओ, डबल बॉन्ड सी ओ, डबल बॉन्ड किसका है, ये हाइड्रोजन का है, ये दोनों हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन निकल गया, एस टू यहाँ से रिलीज हो गया, एस टू जब रिलीज हो गया तो ये बचा, इसका नाम क्या होगा, एस सी एच ओ, मतलब एस सी एच ओ को आप क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड. सी एच ओ कंपाउंड को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं. तो ओवरऑल अगर बात करें डिहाइड्रेशन जो एल्कोहल को होता है वह रिएक्शन क्या कहलाता है, डिहाइड्रोजिनेशन. जैसे आपने अभी पढ़ा डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, इसमें क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों रिलीज होता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अब इसका हम एक रिएक्शन देखते हैं RCH2OH, मान लीजिए ये एल्कोहल है, कौन सा प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, RCH डबल बॉन्ड, मतलब RCHO हो गया, ये आपका क्या बना, एल्डिहाइड बना. और फिर इसी का फिर से होगा तो क्या होगा, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब जब रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड को पहले कन्वर्ट होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये बातें ये होती हैं कि कैसे दोनों होंगे, क्या दोनों के लिए सेम रिएजेंट यूज किए जाएंगे कि रिएजेंट डिफरेंट यूज किए जाएंगे. बिल्कुल, सो इट मे बी डेफिनेटली दैट इज द रिएजेंट इज डिफरेंट. जब एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होगा तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज कर देंगे क्या, KMnO4, वेन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल दैट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, या कॉमनली उसको RC डबल OH भी बोल सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RC डबल OH भी बोल सकते हैं. ओके, समझ में आए नहीं, इसी को हम RC डबल OH के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम. फिर से देखिए
जब इनको हल्का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है ये बताया था कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड से फिर क्या बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब दोनों ऑक्सीडेशन आप इनको हल्के से एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन सा ऑप्टेंड होगा, कब ऑप्टेंड होगा, उसके लिए दो कंडीशन होगी। When primary alcohol oxidizes in presence of strong oxidizing agent like KMnO4, only carboxylic acid is obtained. तब carboxylic acid obtained होगा जब strong oxidizing agent यूज होगा KMnO4। लेकिन जब क्या होगा, केवल anhydrous यूज होगा, anhydrous जो कि moisture को क्या करे, absorb कर ले, तब आपका कौन सा यूज होगा, chromic oxide लिखा गया है यहाँ, chromic oxide। क्रोमिक ऑक्साइड व्हेन ऑक्सीडेशन आप करेंगे अल्कोहल बाय द क्रोमिक ऑक्साइड, तब क्या ऑप्टेन होगा, आपका एल्डिहाइड ऑप्टेन होगा जिसका क्या नाम है, RCH2। ये आपका हो गया क्या बेटा, एल्डिहाइड हो गया, ये आपका हो गया एल्डिहाइड, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ में आया। लेकिन अगर हमें ज्यादा अमाउंट में, अगर हमें ज्यादा अमाउंट में बनाना है क्या, एल्कोहल से अगर हमें ज्यादा अमाउंट में बनाना है आपका एल्कीन, अगर एल्कीन ज्यादा बनाना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन ज्यादा हमें करना है एल्कोहल से, तो हम एक दूसरा स्पेसिफिक रिएजेंट लेते हैं जिसका नाम होता है क्या, PCC। ओके, यस, बेटर रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन आपको प्राइमरी एल्कोहल टोलरिहाइड। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड ज्यादा अच्छा ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसका एल्डिहाइड हम ज्यादा बनाना चाहते हैं, गुड अमाउंट में यूज लेना ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एक बेटर रिएजेंट भी यूज करना होगा। अब वो बेटर रिएजेंट क्या होगा, PCC, क्या नाम है इसका, PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट यूज होगा, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट CrO3। ये किसका मिक्सचर होगा, क्रोमियम ऑक्साइड पिरिडीन और HCl के मिक्सचर को क्या कहते हैं, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, विच इज ए गुड रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब देखिए एल्कोहल लिया गया CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसका बेसिक नेम क्या होगा ये आप बताइए। ओके, काउंट 1 2 3 4, तो सीधी सीधी बात है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 R 2 ब्यूटीन 1 R। अब 2 ब्यूटीन 1 R से 2 ब्यूटीन 1 L बनेगा, 1 2 3 4, 2 ब्यूटीनल बनेगा, ये एल्डिहाइड होगा और इसका अमाउंट ये क्या होगा, ज्यादा ही होगा, मतलब 99% तक हमें ऑब्टेंड हो सकता है। अब हम सेकेंडरी एल्कोहल का देखेंगे, प्राइमरी एल्कोहल देख लिया, प्राइमरी एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में जब KMnO4 यूज किया गया और उसी से क्या हुआ, क्रोमिक ऑक्साइड से यूज हुआ, तो क्या ऑब्टेंड हुआ, तब भी हमें एल्डिहाइड ऑब्टेंड। लेकिन एल्डिहाइड जब ज्यादा बनाना होगा हमें, तो हम PCC का भी यूज कर सकते हैं, मींस PCC इज ए ग्रेटर बेटर एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल का क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, प्राइमरी हमेशा एल्डिहाइड बनाता है, समटाइम्स बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल हमेशा बनाता है क्या, कीटोन बनाता है, किसके प्रेजेंस में, क्रोमिक ऑक्साइड, वही CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में बनाता है। और जब बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब एक H यहाँ का ब्रेक हो जाएगा और एक H यहाँ का बीच का ब्रेक हो जाएगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OR, और आपको याद है क्या निकलेगा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो सब जगह क्या निकलता है, H2 तो निकलता ही है, आपको पता है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, H2 निकलता है तो डिहाइड्रोजनेशन हो गया। जबकि टर्शियरी एल्कोहल में ऑक्सीडेशन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन,
क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो होगा लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होगा। अब जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही नहीं होगा तो वहां से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, व्हाइल प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3। ओके, and high yield of aldehyde by the alcohol in the presence of PCC which is a mixture of CrO3, pyridine and HCl. Secondary alcohol gives only ketone in the presence of chromic oxide, but tertiary do not undergo oxidation due to the absence of carbon hydrogen.